नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नीरज शर्मा जी। ये नीरज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, जो कि जूम मीटिंग पर आज हम आपको इंटरव्यू इनका दिखा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे इनके आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से सहारा इंडिया के खिलाफ आपने 5-6 साल को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन द न्यूज 15 पर लाइव देखे हैं, उसी को लेकर आज इनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर एक संगठन के महासचिव हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। सर उसके महासचिव हैं, तो वो महासचिव होने के नाते आज हम सर से जुड़े हैं और इस चर्चा का दौर बनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 पर। जी धन्यवाद मैडम, न्यूज 15 का जो है मुझसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत आभार। जी सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत 5-6-7 को जो जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने धरना प्रदर्शन किया था, उससे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। किस तरीके का ये प्रदर्शन रहा, उसको संक्षिप्त में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए ये पूरे देश के पीड़ित जमाकर्ताओं की जो है लड़ाई को हमने दिल्ली के जंतर मंतर तक, इस देश के मोदी सरकार तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया। कई जी साथी जो है आज पैसे के अभाव में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका हमारा जो है इस लड़ाई में साथ था। जी और केंद्र सरकार को हम जो है बताने में दिल्ली के जो है जंतर मंतर से कामयाब हुए कि हम लोग पीड़ित हैं। जी तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है सर? क्योंकि राष्ट्रपति को आश्वासन दिया, आश्वासन लेने के लिए आप वहां पर गए थे, और उसके बाद अचानक से आपके निवेशकों की आवाज जो है वो धीमी पड़ गई है। नहीं, धीमी नहीं पड़ी है। राष्ट्रपति जी का जो है ज्ञापन दिया था, राष्ट्रपति जी ने फॉरवर्ड करके पीएमओ तक भेजा है, और जी पीएमओ तक जो हमारे अध्यक्ष साहब के पास में कॉल आया था, और पीएमओ ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्या पर गंभीर हैं। जी और आगे देखिए कि केंद्र सरकार और पीएमओ क्या जो है इस पर कार्रवाई करते हैं। जी तो कहीं ना कहीं जो आवाज धीमी लग रही है निवेशकों की, वो पीएमओ के पास आपकी आवाज पहुंची है शायद इसलिए है, या फिर अभी आंदोलन जो है वो आपने रोक रखे हैं? नहीं, आंदोलन को हम जो है अपने घरों में पहुंचे और निरंतर अलग अलग प्रदेशों में जो है बढ़ाने का काम किया। आज जी मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। 17 तारीख को जो हमारे बीरेन सिंह सोलंकी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया है, जी और प्रदर्शन जो मंदसौर में किया गया, और जी मंदसौर में उनके भाजपा के विधायकों ने भी उस जो है आंदोलन को सपोर्ट किया है, जी उन्होंने भी कई ट्वीट किए हैं। जी सर, हमें जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं आपके जो आंदोलन के जो मोर्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं दरार देखने के लिए मिली है। कई कार्यकर्ताओं ने उन अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है, तो इसकी क्या वजह है, कैसे ये दरार पड़ रही है, और इस दरार के कारण वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों की जो आवाज है उस पर कहीं ना कहीं असर तो नहीं पड़ने वाला? देखिए हम जो है आंदोलन करके निकले थे, कुछ साथी जो थे, मैं जी नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ जी साथियों ने जैसे ही हम जो 8 तारीख को पहुंचे अपना इस्तीफा दे दिया। वो जी सार्वजनिक मंच पर नहीं आना चाहते थे जी और चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, और वो उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है, और जी उसके बाद में वो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद में अंदरूनी जो खींचतान थी उसके कारण जो है कुछ लोगों ने जो है इस्तीफा दिया है, उससे हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, और हम उतनी ही शिद्दत के साथ हर जो है प्रदेश के जिलों से होते हुए हर प्रदेश की राजधानी में इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। जी कोई दिक्कत नहीं है। जी जो आंदोलन आपका हुआ उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि आपके इस आंदोलन में जो लोग मौजूद थे वो सुब्रत राय से मिले हुए थे। अब देखिए ये तो मुझे पता नहीं है कि कौन किससे मिला हुआ था, लेकिन आज आज हमने इस देश के करोड़ों पीड़ित लोगों की आवाज को जो है दिल्ली तक पहुंचाया है, और जो भी हमारे आंदोलन को जो है बीच में अवरोध बनने का काम करेगा वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जिस तरह सहारा प्रबंधन हमारी दुश्मन है कि हमारे बीच के लोगों का जो है पैसा नहीं दे रहा, उसी तरह वो भी हमारा जो है दुश्मन हो। जी सर, हमने सुना है कि आपने कई लोगों आपके साथ ही जो कई लोग मिले हुए हैं उन लोगों ने FIR कराई है, कई लोगों ने मिलकर के, तो उसका क्या आगे निष्कर्ष निकला है, उसका क्या परिणाम आपको देखने के लिए मिला है, कितनी कार्यवाही की गई है? देखिए मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने सर्वाधिक FIR सहारा प्रबंधन के खिलाफ की, जी और बड़ा दुख का कारण है पूरे देश में भी कई राज्यों में FIR हुई है,
लेकिन इनके एफआईआर के बाद में चालान पेश नहीं हुआ जी। और हमारे मध्य प्रदेश में मेरे शिवपुरी में और आसपास के जिलों में 500-500 उपभोक्ता फोरम के आदेश इनके खिलाफ आकर जो रद्दी की टोकरी में डले जी। और कुछ जगह चालान पेश हुआ है, जैसे आपके गुना में चालान पेश हुआ था उपभोक्ता फोरम के बाद में, तो अभी उज्जैन के रीजनल मैनेजर, तत्कालीन रीजनल मैनेजर अभी जेल में है 1.5 से 2 माह जी। तो सर सरकार की कहां भूमिका देख पा रहे हैं आप इस आंदोलन में, जो आपकी मांगे हैं और जो ठगी की जा रही है, निवेशकों का पैसा जो फंसा हुआ है, इसमें कहां आप सरकार को देख पा रहे हैं? देखिए, सरकार अगर चाहे तो ये मामला बहुत जल्द सुलझ सकता है। आज सरकार के पास में लाखों शिकायतें जो है सीआरसी से जुड़ी जो है दिल्ली में पहुंच रही है, क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है? आज सैकड़ों और लाखों जो है ट्वीट मोदी सरकार तक और सम्माननीय मोदी जी तक पहुंच रहे हैं, क्या उनके जो है संज्ञान में नहीं है? ये कॉरपोरेट घरानों को साथ दे रही है सरकार, आम गरीब के साथ में न्याय नहीं कर पा रही। जी, तो आगे क्या कदम होने वाले हैं? जब आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो आगे और कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? देखिए, हम जो है हर जिले तक, प्रदेशों के अलग अलग जिलों तक पहुंचने वाले हैं और प्रदेशों के अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करके हर प्रदेश में जी एक बड़ा जो है प्रदर्शन करने की तैयारी है और उन प्रदर्शनों को करते हुए हम अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए और एक देश में बड़ा अभियान छेड़ने वाले हैं कि जब 13 करोड़ जमाकर्ता हैं और 13 करोड़ जमाकर्ताओं के बीच में अगर 4 से 5 लोगों का परिवार है तो करीब 50 करोड़ जनता सहारा के भुगतान से पीड़ित है और उनका परिवार जो है मोदी सरकार को, अगर मोदी सरकार ने जो है संज्ञान नहीं लिया तो 2024 मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहे। जी सर, निवेशकों का पैसा तो फंसा हुआ है, लेकिन सहारा के अभी भी बैंक चल रहे हैं, मीडिया चल रही है, तो उनके जो कार्यकर्ता, जो कर्मी अभी वहां पर काम कर रहे हैं, जो इम्प्लॉय है वहां के, उनको किस तरीके से भुगतान किया जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आज सहारा का भी कर्मचारी जो है हमसे संपर्क करता है, मुझसे जो है कई कर्मचारियों की बात होती है, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो है कर्मचारी आए थे, उनको भी जो है सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा कि इनका जो है मीडिया इनको जो है बचाने का काम कर रहा है। आज वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रहा, वो केवल सहारा प्रबंधन और इनकी कारगुजारियों को जो है बचाने का प्रयास कर रहा है। जी, तो जिस तरीके से आपका प्रदर्शन हुआ, इस पर जितने सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? कहा जा रहा है कि इसमें सुब्रत रॉय से मिले हुए लोग थे, साथ ही साथ इस जो 3 दिवसीय आपका धरना प्रदर्शन था, इसका जो आयोजन आप लोगों ने किया, ये इसलिए किया क्योंकि दूसरा कहीं और आंदोलन होने वाला था, उसकी आवाज को कमजोर करने के लिए आप लोगों ने ये आंदोलन किया और दूर दूर दराज से जो है निवेशकों को बुलाया? देखिए, हमने जो आंदोलन किया वो सहारा के करोड़ों पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज को बुलंद किया। कौन किसके साथ सुब्रत राय के साथ जुड़ा है, कौन के किसके तार किससे जुड़े हैं, लेकिन हमारा आंदोलन था इस देश के अंतिम छोर के सहारा के पीड़ित एजेंट के साथ और अंतिम छोर के, जिसको कोई नहीं जानता, ना वो किसी डायरेक्टर को जानता है, ना सहारा के किसी अधिकारी को जानता है, और उसने सहारा पर विश्वास करके पैसा जमा किया, उस व्यक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए हमने जो है इस आंदोलन को किया। जी, तो क्या उम्मीद कर पा रहे हैं कि सरकार आपकी आवाज सुन पाएगी? जिस तरीके से विपक्ष पर राजनीतिक तौर पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है लगातार, तो क्या इन ठगी कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी? अब ये तो साफ सरकार को सोचना पड़ेगा, इस देश का विपक्ष भी जो है वो विपक्ष का काम नहीं कर रहा, सब जो है मूक दर्शक है, सब जो है मूक दर्शक है, चाहे शासन में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, और जिनके लिए आज हम जनता ने इनको जो है चुन के लोकसभा विधान आज के जो है राज्यसभा में भेजा, अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे। जी, तो क्या लगता है आवाज बुलंद हो पाएगी, आपके निवेशकों का पैसा आप तक लौट पाएगा? बिल्कुल, जब तक इस सीने में जो है दिल धड़क रहा है, जब तक जान में जान है, अपने जमाकर्ताओं के लिए, अपने एक एक एजेंट साथियों के लड़ते रहेंगे। जी, तो सर जिस तरीके से आंदोलन किए जा रहे हैं, तो क्या आगे भी कोई ऐसी प्लानिंग है, नीति है, जिसके तहत आप लोग ऐसे आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? बिल्कुल, निरंतर हमारा जो है हर प्रदेशों में जो है आंदोलन बढ़ने वाला है और हर प्रदेश की राजधानी में आपको सहारा का आंदोलन बड़ी तेजी से जो है दिखने वाला है और सड़कों पे दिखेगा लोगों का आक्रोश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानियल 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी अन्य चर्चा के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर फिर से लौटूंगी, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।